सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस पैंडमिक। एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू अबाउट फ्रेजल वर्ब यू यूज इन योर डेली रूटीन, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दोज फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। यू हैव टू यूज दीज वर्ब्स इन योर डेली रूटीन। सो अभी मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊँगी कैसे इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वी स्टार्ट द चैप्टर नाउ। माय फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कमिंग ओवर, मींस विजिट। व्हेन समबडी कम्स टू योर हाउस टू मीट, व्हाट विल यू से? कमिंग ओवर, यू आर वेलकम टू कमिंग ओवर एट माय हाउस, ठीक है। विजिट करने के लिए आप थैंकफुल हो उसके लिए, ठीक है। सो यू विल यूज़ कमिंग ओवर, थैंक्स फॉर कमिंग बोलते हैं, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इट लुक्स बेटर, दैट्स इट। फ्रेजल वर्ब्स मेक योर लैंग्वेज बेटर इन अ बेटर वे यू स्पीक वर्ड्स। नाउ सेकेंड वर्ड इज टर्निंग अप। टर्निंग अप मीन्स अराइव। अगर आप सॉरी लेट आए हैं तो आप सामने वाले से कहते हैं सॉरी फॉर लेट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप बोलेंगे, अभी बोलेंगे आप सॉरी फॉर टर्निंग अप लेट, सॉरी फॉर टर्निंग अप अराइव, आने के लिए, लेट आने के लिए सॉरी, ठीक है। तो माय सेकंड फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन यूज़ इन योर डेली रूटीन, राइट। थर्ड इज़ गेटिंग ऑन। माई वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट बट डेफिनेटली इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, वेरी हेल्पफुल टू मेक योर लैंग्वेज बेटर। गेटिंग ऑन, हैंडल, यू डेली एवरी डे यू हैंडल समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो हैंडल, हाउ डू यू हैंडल योर लाइफ इन योर न्यू कॉलेज, यू इफ़ यू आर न्यू स्कूल। सो योर ओल्ड स्टूडेंट्स कैन आस्क दिस क्वेश्चन, गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू स्कूल, एट न्यू प्लेस, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है। अभी बहुत आप इसको यूज़ कर सकते हो, गेटिंग ऑन वर्ड को, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्क आउट। आप मोस्टली कहते हो आई डू वर्क एक्सरसाइज एंड ऑल, यूज़ वर्कआउट, ठीक है। एंड वर्कआउट से पहले व्हाट विल यू डू, क्या करते हो आप क्या करते हो? वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हो, ठीक है। वार्म अप बाय स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं हम, तो उसको वार्म अप बोलते हैं, ठीक है। सो वर्कआउट, एक्सरसाइज को आप वर्कआउट बोलोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फिट इन। इफ़ यू वॉन्ट टू फिट इन समथिंग, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू फिट इन अ न्यू स्कूल, इफ़ यू फिट इन अ न्यू प्लेस, ठीक है, तो दैट इज़ यू हैव टू से फिट इन। इफ़ यू जॉइन सम इंस्टीट्यूट, इफ़ यू जॉइन सम ऑफिस, इफ़ यू जॉइन समथिंग, राइट। सो वॉट विल यू से? You say fit in. I am trying to fit in the school. I am trying to fit in. Acha, there's a phrase like to get into the groove. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली और अच्छे वीडियो आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स लाने वाली हूँ, सो दैट यू कैन मेक योर लैंग्वेज बेटर। टू गेट इन टू द ग्रूव, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में फिट होने की, किसी अपने। सो आई एम ट्राइंग टू गेट, जब आपके स्कूल खुलेंगे, ओपन होंगे, देन यू विल से कि आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू द ग्रूव, मैं वापस अपने उसी पुराने वाले रूटीन में फ़िट होने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन दिस वे, सो फिट इन मतलब किसी चीज़ में फ़िट होने की कोशिश करना, आई एम ट्राइंग टू फिट इन द स्कूल, किसी चीज़ के साथ में चलने की कोशिश करना, दैट इज़ फिट इन। नाउ माई फेवरेट इज स्क्वीज, ओ ओ ओ, सो देयर इज़ अ मिस्टेक, इट इज़ स्क्वीज्ड इट, नहीं होगा यहाँ पर स्क्वीज्ड इन, होगा यहाँ पर इन, सॉरी इट इज़ बाई मिस्टेक, सो यू विल करेक्ट इट, इट इज़ स्क्वीज इन, ठीक है। सो स्क्वीज इन मीन्स होता है फाइंड टाइम फॉर समथिंग, मीन्स होल डे यू आर बिजी बट स्टिल यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, सो वॉट यू से? आई स्क्वीज इन सम टाइम फॉर रीडिंग बुक्स, आई स्क्वीज इन 15 to 20 मिनट्स टू रीड अ बुक, आई स्क्वीज इन 15 to 20 मिनट्स टू प्ले गेम, आपको गेम करना पड़ता है तो आप उस बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालते हो उसके लिए, ठीक है। सो उसके लिए आप बोलते हो फाइंड आउट टाइम, फाइंड टाइम फॉर समथिंग, फॉर समवन, ठीक है। तो आप किसी के लिए टाइम निकालते हो किसी चीज़ के लिए। मुझे पसंद है, सपोज़ मुझे पसंद है कुछ काम करना, लाइक मुझे अब मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, आई स्क्वीज इन
15 to 20 minutes to exercise, to work out, to stretching, or like this you can say. ठीक है. सो ये थे मेरे जो phrasal verbs थे. I hope you will use in your daily routine. So thank you for watching my video. Keep on watching, keep on speaking in English, keep on learning and taking care of yourself. Whenever you step out of your house, please wear mask, wash your hands before eating, before touching your face, and take care of yourself. Thank you everyone. Thank you so much.